हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। दिन की शुरुआत होती है बहुत अच्छी झमाझम बारिश के साथ, मज़ा आ गया बिल्कुल। कैन यू सी इतनी मोटी बूंदे पड़ी हो तो टोस्ट ना खाया जाए ऐसा हो नहीं सकता। मैंने बनाया बहुत डिलीशियस टोस्ट। हु आर विलिंग टू मेक इट, मैं बता देती हूँ। मैंने ब्रेड के अंदर आलू को फ्राई करके स्टफ किया है, उसके ऊपर दही और केचप लगाया है। नाश्ता करने के बाद मैं निकल गई थी दिल्ली के लिए। पहले मैं बीच में मोहननगर माता के मंदिर जाऊँ। दिन तो मेरे अच्छे नहीं चल रहे हैं बिल्कुल भी, तो जाहिर सी बात है भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मेरे दिन थोड़े से अच्छे आ जाए। तो मैं जा रही हूँ माता रानी को इमोशनल ब्लैकमेल करने। जैसे मैंने मंदिर में एंट्री की थी तो मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया, ऑलरेडी मैं माता रानी की कई शॉर्ट्स डाल चुकी थी। तो वहाँ जाने के बाद मुझे मिला प्रसाद, बहुत अच्छा, बहुत ही हमेशा प्रसाद वैसे टेस्टी होता है। मन खुश हो गया मेरा कि मैंने जाते ही प्रसाद ग्रहण किया। और उसके बाद मैंने बस एक सैंडविच लिया था। हालांकि मैं घर से खाना लेके चलती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं ले जा पाती, तो मैंने एक सैंडविच ऑर्डर किया है। और ये देखिए कहाँ पर मैं बैठी हूँ, मंदिर के जस्ट पीछे ये कैंटीन बनाई हुई है। काफ़ी सुंदर एरिया है, इससे अच्छी बात क्या होगी कि मंदिर के पास ही आप बैठकर आराम से कुछ नाश्ता पानी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ प्रॉपर फूड नहीं है, नाश्ते का ही जुगाड़ है, चाय वगैरह और थोड़ा सा फास्ट फूड का आइटम मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद फिर सुधीर आ गए थे और हम दोनों निकल गए थे मेट्रो स्टेशन की तरफ। हम लोग मेट्रो से ही दिल्ली जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लोकेशन है ये, ऊपर स्टेशन की तरफ से बहुत सुंदर लग रही है ये। ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ और ये है मेट्रो स्टेशन जहाँ पर हम लोग अपनी मेट्रो का वेट कर रहे हैं। ये देखो, हमेशा माथा हमेशा ठुका ही रहता है इस आदमी का ये जितने दिखने में सीधे हैं ना, उतना इनमें गुस्सा भी है भाई। कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, टेकल करना मुश्किल हो जाता है। आई लव ट्रैवलिंग, लेकिन जब बार बार हमें कोई व्हीकल चेंज करना पड़ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, तो यही नुकसान है ना कि आपको पहले आप कभी ऑटो से जा रहे हो, कभी बस से, कभी ट्रेन से, और आपको बार बार जो अपना जो व्हीकल है वो चेंज करना पड़ता है। बस इसीलिए थोड़ा इरीटेटिंग होता है, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना ज़्यादा बेटर है। बेटर इन द सेंस कि आपको ड्राइव नहीं करना है, आपको राइड नहीं करना है, बस बैठकर लोकेशन के मज़े लेने हैं। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। यहाँ अपनी कोचिंग के सिलसिले में सुधीर को कुछ बात करनी थी। हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और वो बात कर रहे हैं दोनों। मैं ऐसे ही इनके मज़े ले रही हूँ, बैठकर कैप्चर कर रही हूँ। उसके बाद पता है एक यहाँ पे जो मुखर्जी नगर वाला एरिया है, ये पूरा ही बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, और बहुत मुझे डर्टी भी लगता है। लेकिन सुधीर ने बोला कि यहाँ पर एक दो फूड स्टॉल बहुत अच्छे हैं, हाइजीनिक फूड स्टॉल हैं, और उसका फ्लेवर भी बहुत टेस्टी होता है, आप ट्राई करो। तो जब मैंने ये ट्राई किया तो इन्होंने इसमें बहुत सारी बीटरूट कैरेट वगैरह डाल के दिए थे गोलगप्पे में, एंड आई मस्ट से बहुत टेस्टी था, बहुत डिलीशियस। सुधीर हमेशा, जो मेरा एक फ्रेंड मैंने लिया हुआ है कि बाहर का कम खाना है, उसे हमेशा ब्रेक करा था। भाई मैं सच बता रही हूँ, अगर सोमवार के व्रत करने से ऐसा लड़का मिल जाता है कि वो आपका पर्स टांग के चले, तो ज़रूर सोमवार के व्रत कर लेने चाहिए मैं कभी भी अपना पर्स खुद से कैरी नहीं करती, हमेशा यही मेरा पर्स उठा के चलते हैं। पता है, अब मैं क्योंकि एक मैरिड वूमन हूँ, तो मैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं या जो मैरिड हैं उनको एक सलाह दे सकती हूँ कि जब कभी आपको गुस्सा आए तो आपका हस्बैंड जो है उससे थोड़े से ये एक्सपेक्ट करें कि वो उस टाइम चुप रहे, और जब आपके हस्बैंड को ज़्यादा गुस्सा हो किसी बात पे तो उस टाइम आप चुप रहना, उससे रिलेशनशिप अच्छा चलता है। क्योंकि ना कोई भी इंसान बहुत बुरा होता नहीं है, धीरे धीरे हमारे शब्द उन्हें बुरा बना देते हैं। और ये देखिए, फिर घर पहुँच कर हमारा जब काम क्योंकि निपट ही चुका है, तो घर जाकर मैंने बनाया था डिनर, जिसमें मैंने राइस और ये पेठा फ्राई किया है। अभी मुझे इस टाइम यही हाथ लगा तो मैंने यही बना दिया। देखो मेरा हाथ, देखो मेरा हाथ, यहाँ तक मेरे कपड़े जाते हैं।
ये सबसे बेटर ये कहते हैं कि जॉब ना करो, जॉब करो, बिजनेस करो, दिमाग बिजनेस करो। ऑफिस एजुकेशन का बिजनेस सबसे ज्यादा चल रहा है। हाँ पंडित कमी चलते नॉट ऑल आर द सेम। शिवा मैंने अभी तक इनके चैनल का लिंक शायद अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दिया है, मैं दे देती हूँ। ये सिविल सर्विसेज के लिए टीचिंग करते हैं, साइट फॉर सिविल सर्विसेज इनके चैनल का नाम है। हु आर विलिंग टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज कैन वॉच इट। गाइस मैं एक बात बताती हूँ, जो इसकी मम्मी है ना मेरी बहन भाई, मैं उसके बहुत ज़्यादा कामकाजी होने से पूरे बचपन परेशान रही हूँ, क्योंकि वो खुद भी बहुत काम करती थी और ज़बरदस्ती मुझे भी लगाती थी, और सेम बिल्कुल उसके नक्शे कदम पे ये लड़की उसी पे चली गई। आई हैव गिवन हर अ नेम मंजली रिटर्न्स, या मदर लाइक डॉटर। सावन का महीना चल रहा है तो आए दिन बारिश होती है, सुंदर लगता है, पर भाई जो उसके बाद ह्यूमिडिटी होती है ना, बहुत गुस्सा आता है कि बारिश के बाद गर्मी का क्या मतलब, पर चलिए जैसा चल रहा है। ये ले जाओ ये, और मामी का क्लेचर वापस रखो, मामी का क्लेचर उसमें रखो, वहां पे रखो वापस, बाद में रोना, रखो। ओए होए, अब रोएगी फिर से। ओले मिल बेटा, लगा तो नहीं दिखा, कॉम दे दो गिव मी। रोते रोते काम बता दो, चुप हो जाती है, फिर गीत उठाई गई। हाथ बिछ जाएगा काजू, ये ले जाओ, ये ले जाओ, इसको मम्मा को दे दो, ये ले जाओ, देखना कितना काम करती है। गुच्छू देखना कितने अच्छे से बात मानती है, जाओ ले जाओ, इसे दिखाओ, लिख दिया 21 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये यहाँ पे क्या आएगा 30। अब 31 की रॉ शुरू हो गई, ठीक है, 31 के बाद क्या आता है देखो, 32, फिर 3, फिर 4, ऐसे लिखना है यहाँ पे भी, 31 32 33, लिखो। अभी देख के लिख लो, फिर मैं बिना देखे लिखवाऊंगी, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं पढ़ाई होती। हाँ। मैम तो जब भी तो कुछ नहीं आया तुझे, इतनी बुढ़ी हो गई तब भी तुझे अभी तक नंबर सीखने नहीं आए, इतनी बड़ी तो मैं रीडिंग करने लग गई थी। और एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए, 33 बोल के 33। या नेक्स्ट, तो मैं अपने दिन की एंडिंग करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी सूप के साथ, ही वेजिटेबल चॉप करके मैंने बनाया है। ये मोमो एक फट गया था पर बाकी सब सही है, देखने में गंदा है भाई, खाने में बहुत अच्छा था। अब मैं एक गाना गाने वाली हूँ, है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, ये यहाँ पे रोज का काम है भाई। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।